मुझे ये कहा गया था कि हमें डांस भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। सबको पता था ये तो मतलब क्या बनेगी मालूम नहीं, कुछ तो बनी जाएगी। यू हैव टू लेट योर चाइल्ड फ्लाई एंड यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। समटाइम्स यू नीड दैट लिटिल पुश फ्रॉम योर पेरेंट्स, पर आई थिंक कहाँ तुम्हें जाना है, क्या करना है, वो तो वी हैव टू फाइंड अ सेल्फ। किस तरीके से वो लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही नंबर्स चाहिए होते हैं और वो एक्टिव अदर एक्टिविटीज़ को नहीं समझ पाते, तो कभी ऐसा आपने ऐसा कुछ फेस किया? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि मेरी माँ केमिस्ट्री टीचर होने के बावजूद और पापा इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम साइंस पढ़ो, और जबकि मेरी माँ के घर में बहुत पढ़ाई का माहौल था। उनकी माँ भी टीचर थी, उनके फादर तो साइंटिस्ट थे, तो बहुत ज़रूरी था कि पढ़ाई करे बच्चा, मगर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट हमेशा जितने भी मार्क्स आते थे हमेशा मुझे बढ़ावा ही दिया, जबकि मेरे मार्क्स जोड़ जोड़ के 75% लाने के लिए चीटिंग करनी पड़ती थी कभी कभी तो सिर्फ 45 होते थे, पाँच ऐड भी नहीं करना पड़ता कि 43, 45, 55, मतलब 55 तक आ जाते थे। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग, आई वर्क रियली हार्ड, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि हमें डांस भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो आई रिलीजियसली यूज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड प्रैक्टिस डांस एंड रिलीजियसली स्टडी ऑल्सो, सो इट वॉज दैट। बट आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, क्योंकि मैं ऐसे स्कूल से आती हूँ डीपेस्ट रानीपुर, जहाँ पे आई थिंक 95% बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बाकी 5% बच्चे कुछ और बन जाते हैं, तो मैं उनमें से थी। सबको पता था ये तो मतलब क्या बनेगी मालूम नहीं, कुछ तो बनी जाएगी, ड्रीमर थे। अभी मैं टीचर बोलते हैं कि इसका क्या होगा, हमेशा मम्मी को ऐसे ही बोलते थे, पता नहीं क्या होगा। सो इट वॉज दैट, और वो आई मीन कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं बिकॉज दे वर पुश्ड इन द राइट डायरेक्शन, शायद वो थोड़े से आलसी थे, उनको थोड़ा पढ़ाई में बढ़ावा मिला और वो अच्छा कर गए, मगर कुछ खुश भी नहीं है। इवन आफ्टर बींग एन IIT एंड आफ्टर बींग एन IIM, दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज आई टॉक टू देम एंड देर लाइक दे से दे बर्नड आउट एट दिस एज। सो यू डोंट नो, आई थिंक समटाइम्स यू नीड दैट लिटिल पुश फ्रॉम योर पेरेंट्स, पर आई थिंक कहाँ तुम्हें जाना है, क्या करना है, वो तो वी हैव टू फाइंड अ सेल्फ। और अपना कैरेक्टर, आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, अगर आप दुनिया से छुपाओगे ना तो इट विल अफेक्ट यू इन अ वेरी बैड वे। सो यू हैव टू लेट योर चाइल्ड फ्लाई एंड यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट। या ही इज़ वेरी स्वीट, शान इज़ अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद, क्योंकि वो इतना हंसाते हैं कि सब हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। इनफैक्ट एक सीन है पुलिस स्टेशन में जो कि ट्रेलर में भी है, और उस वक्त हम इतना हंस रहे थे कि हंसने के बीच में हमने शूटिंग की थी, तो जब हम चुप हंसने के बीच में मैं शूटिंग किया था। हाँ, मतलब हंसते हंसते जैसे ही हम चुप होते थे सर कहते थे ओके टेक, ओके कट, दे लाफिंग, इट वाज रियली फनी। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शर्मन हैज़ अ ग्रेट कॉमेडी टाइमिंग, तो वो तो किसी को भी कभी भी हंसा सकते हैं। ही इज़ वेरी फनी, सो बोथ ऑफ देम आर ग्रेट एक्टर्स टू वर्क विद।